हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज की क्लास को देखने से पहले आप लोग फटाफट से मेरी पिछली क्लासेस को देख लेना, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को और समझा था बेहतर तरीके से। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियोज़ को देख लेना, तब ज़्यादा बेटर समझ आएगी। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि उसमें पहली लाइन गिवन है, अ कंपनी बाउट अ मशीन ₹1 लाख। मतलब कि एक कंपनी ने मशीन खरीदी जिसकी कीमत थी कितनी, ₹1 लाख, जिसमें अगली लाइन में इंक्लूडिंग अ बॉयलर वर्थ ₹20,000। जो 1 लाख की मशीन खरीदी ना, उसी में एक बॉयलर भी था जिसकी कीमत थी ₹20,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन में आता है, द मशीनरी अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अब जो मशीनरी अकाउंट होगा ना, उसको क्रेडिट करना है हर साल 10% पर एनम, ठीक है, 10% की रेट से क्रेडिट करना है, वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर आपने नहीं सुना, इसका मतलब आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी। तो देखिए, दरअसल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ना दो मेथड होते हैं 11th क्लास के अंदर। एक होता है अपना स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो अभी देखेंगे इसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। फिर आता है एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर, मतलब कि जब 4th साल की शुरुआत हुई, हमने बॉयलर, जो हमारा बॉयलर था ना, वो यूजलेस हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा, और हमने उसे बेच दिया ₹10,000 में। तो अब हमें यहाँ पे शो करना है मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, यानी कि हमें जो मशीनरी अकाउंट बनानी है वो 4 साल तक की बनानी है मशीनरी अकाउंट। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें करना क्या है। अब देखिए, मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या चीज लिखा था कि हमने एक मशीनरी खरीदी थी जिसकी कीमत ₹1 लाख थी, और उसी 1 लाख में बॉयलर का भी प्राइस शामिल था, क्योंकि वहां लिखा है इंक्लूडिंग। तो यानी कि मशीन जब भी हम लोग खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट में हम लोग यहाँ पे करते हैं टू बैंक अकाउंट, और ये वाली साइड हमारी डेबिट कहलाती है, ये वाली साइड हमारी क्रेडिट कहलाती है। अच्छा, तो अब हमने मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट कर दिया, हमारे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है ये है 1st ईयर, ठीक है, ये है 1st ईयर बिगिनिंग, शुरुआत। आप लोग पूरा लिखेंगे 1st ईयर बिगिनिंग। फिर टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा भाई, 1 लाख की खरीदी है। अच्छा, इसी को अगर मैं बोलूं जर्नल एंट्री के फॉर्म में, जब भी हम लोग मशीन खरीदते हैं तो क्या जर्नल एंट्री बनती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, है ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपको ये जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब हमने मशीन खरीद ली 1 लाख रुपए की, अब पूरे साल कुछ नहीं हुआ और हमने कुछ नहीं खरीदा, अब डायरेक्ट साल का अंत आएगा, तो हमारा आ गया 1st ईयर का एंड आ गया। अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करना है। अब जो डेप्रिसिएशन हमें इसमें लगाना है, जो चार्ज करना है, वो 10% की रेट से करना है, और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 लाख का 10% कितना होता है, तो ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, 1 लाख का 10% 10,000 आ जाता है। तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा बाय डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि मशीन की वैल्यू डाउन हो गई है, इसीलिए यहाँ पे ये क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना था, ₹10,000 था, ठीक है। अब और कुछ तो था नहीं, तो हमने इसका टोटल कर दिया यहाँ पे, देखिए बड़ी साइड 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है। फिर 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया, तो हमारा अब मशीन की जो बैलेंस आई ना, 1st ईयर की जो एंड में मशीन की जो बैलेंस आई, वो आई ₹90,000। फिर दूसरा साल आया, हमें 4 साल तक का करना है ना, फिर दूसरा साल आया, तो हमने दूसरे साल में सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना है 2nd ईयर बिगिनिंग, और ये जो पिछले साल का बैलेंस था ना, उसको हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए सिंपल सा रूल होता है कि यहाँ पे CD है, तो यहाँ पे कर देंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। यहाँ पे मैंने दरअसल बैंक लिख दिया, यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप लोग ध्यान में रखना, यहाँ पे आएगा टू बैलेंस BD, कितने से, 90,000 से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2nd ईयर में टू बैलेंस BD आएगा, ये मेरे से मिस्टेक में जल्दबाजी में हो गई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे टू बैलेंस BD ₹90,000 से। फिर
अब साल भर में कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल में भी फिर मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, यहीं पे अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या सीखा था कि एक ही जो डेप्रिसिएशन का रेट गिवन था, जैसे 10,000 गिवन है, तो ये हर साल ही 10,000 लगेगा। वो होता था हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड कि फर्स्ट ईयर में भी 10,000, सेकेंड ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000, फोर्थ में भी 10,000। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से होता तो ऐसा करते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब होता है कि आपके पास अभी की जो मशीन की वैल्यू है, प्रेजेंट टाइम पर जो मशीन की वैल्यू है, उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे मशीन की वैल्यू कितनी है भाई, 90,000 है ना अभी तो प्रेजेंट टाइम पर, वो तो पिछली थी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कि अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है मशीन की, फिर उसका 10% लगेगा। इसका 10% अगर हम लोग लगाए तो बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और 90,000 का 10% होता है 9,000, 9,000। अब फिर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे 90,000, यहाँ पे भी करेंगे 90,000, और मशीन का जो बैलेंस आ गया लास्ट मंथ, मतलब लास्ट साल के आखिरी में, लास्ट ईयर में कितना बैलेंस आ गया मशीन का भाई, 90,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 81,000 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन का माइनस करके बैलेंस। अच्छा, अब ये जो बैलेंस है 2 साल का हमने बना दिया, अब तीसरे साल में भी हम लोग यही करेंगे कि जो बैलेंस सीडी है ना, सीडी मतलब कैरिड डाउन जिसे कहते हैं, इसको अब हमें आगे ट्रांसफर करना होगा नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग थर्ड ईयर वहां पे क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस BD, और कितने से आएगा, 81,000 से। भाई इतना ही तो बैलेंस हमारा बचा था ना पिछले साल, तो 81,000 आ गया। फिर तीसरे साल में कुछ नहीं हुआ, फिर अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, और अब किस वाली वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा, प्रेजेंट टाइम की वैल्यू पे। तो हमारा प्रेजेंट तो ये है ना अभी, तो 81,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना, 10%। तो आप लोग देख रहे हो कि हर साल की जो वैल्यू है ना, उसी पे डेप्रिसिएशन लगता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। अच्छा, तो अब 81,000 का 10% कितना होगा भाई, 8,100 हो जाएगा। और फिर 81,000 में से 8,100 माइनस कर देंगे तो हमारी मशीन की कीमत आ जाएगी कि तीसरे साल के आखिरी में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी। तो हमारी मशीन की वैल्यू कितनी थी, 72,900। ठीक है, 3 साल तक हो गया। अब इस बैलेंस को फिर से ट्रांसफर करेंगे भाई, फिर से ट्रांसफर कर दिया फोर्थ ईयर में, 2 बैलेंस BD, अमाउंट 72,900। अमाउंट कितना आएगा, 72,900। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला है, क्वेश्चन में हमें एकदम साफ साफ बोला है, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको कि एट द बिगिनिंग फोर्थ, बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर की मतलब चौथी साल की शुरुआत में जो हमारा बॉयलर था ना, वो यूजलेस हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो हमने उसे बेच दिया। कितने में भाई, 10,000 रुपये में हमने अपना बॉयलर बेच दिया। तो वो कब बेचा था, साल की शुरुआत में, और भी कौन सी साल की शुरुआत में, चौथी साल की शुरुआत में। तो अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले चौथा साल आया हमारा, फोर्थ ईयर आ गया, फोर्थ ईयर में मशीन की बैलेंस कितनी थी, टोटल बैलेंस कितना था हमारा, 72,900। अब अगर आपको याद हो, मैंने शुरुआत में बोला था इसमें दो चीज है, एक तो मशीन है और एक बॉयलर है ना, एक मशीन है एक बॉयलर है, क्योंकि 1 लाख के अंदर दोनों की ही वैल्यू शामिल है। अब हमें इसमें से मशीन को बेचना है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम उस मशीन का जो पार्ट है ना, एक बॉयलर, पूरा नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ उस बॉयलर को बेच रहे हैं, मशीन को नहीं बेच रहे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, किसको बेच रहे हैं, बॉयलर को, उसमें का एक पार्ट को बेच रहे हैं, पूरा नहीं बेच रहे हैं। अच्छा, अगर हम उस पार्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत की लाइन में लिखा है बॉयलर्स की वैल्यू थी वर्थ ₹20,000। अच्छा, 20,000 की तो उसकी वैल्यू कब थी भाई, एकदम शुरुआत में फर्स्ट ईयर में थी उसकी 20,000 की वैल्यू, और हमने उसे बेचा कब है, चौथे साल में, चौथे साल में। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या उसकी वैल्यू हमेशा ही 20,000 रहेगी, भाई नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डाउन होते रहेगी। तो हमें अब यहाँ पे ये जानना होगा कि मशीन, इस बॉयलर की आज की वैल्यू कितनी है, तभी तो हम पता लगा पाएंगे ना उसकी आज की वैल्यू इतनी है, फिर हमने उसे कितने में बेचा, हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें ये पता करना होगा। जब भी कोई भी चीज सोल्ड होगी, 3 मेन हमें काम करना होगा,
क्या क्या काम करना होगा? सबसे पहले हमें करना होगा बैंक, एक हमें बैंक अकाउंट के लिए होगा, और एक हमें डेप्रिसिएशन, और एक हमें प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, ये तीन हमें काम करने होंगे, वर्किंग नोट बना के इन्हें ढूंढना होगा। तो अब अगर मैं बात करूं आज के समय टोटल वैल्यू कितनी थी, 72,900। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, 72,900 इसमें मशीन की भी वैल्यू है और बॉयलर की भी वैल्यू है, मशीन की भी वैल्यू है और बॉयलर की भी वैल्यू है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें बॉयलर की वैल्यू कितनी है, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना। तो अब इसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि इसमें बॉयलर की वैल्यू कितनी है। तो ये इसके वैसे दो ट्रिक हो सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो उन दोनों को ही सीखते हैं। दरअसल क्या होगा, देखिए, सबसे पहला हमें चाहिए किसकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू, बॉयलर की वैल्यू। अब देखो बॉयलर की वैल्यू शुरुआत में कितने की थी, शुरुआत में 20,000 की थी भाई बॉयलर की वैल्यू, और मशीन की थी 80,000, टोटल 1,00,000 था। तो बॉयलर की वैल्यू थी 20,000। फिर हम लोगों ने उसमें डेप्रिसिएशन लगाया होगा, पहले साल में कितना लगाया होगा, 10% लगाया होगा। तो 20,000 का 10% कितना हो जाता है, 2,000। तो बॉयलर की वैल्यू कितनी बची थी फर्स्ट ईयर के लास्ट में, 18,000 बची थी। फिर दूसरे साल बॉयलर की वैल्यू 18,000 थी, तो उस पे भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, कितना लगा होगा, 10%। तो अब यहाँ पे 18,000 का 10% लगेगा 1,800, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो 18,000 में से 1,800 गए, तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, ये 16,200 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 16,200 तीसरे साल की शुरुआत का बैलेंस है, और फिर तीसरे साल में भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, क्योंकि हमें 4 साल का बताना है ना। तो तीसरे साल में भी इसका बैलेंस कितना था, 16,200। अब 16,200 का हमें अब निकालना होगा 10%, भाई कितना था तीसरे साल, तो हमने निकाला कितना आया, 1,620। और चौथे साल की शुरुआत में हमारा बैलेंस कितना बचा, 14,580। ये सिर्फ बॉयलर का है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ बॉयलर का है। और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने इस बॉयलर को साल की शुरुआत में बेच दिया, चौथे साल की शुरुआत में बेच दिया। अच्छा, चौथे साल की शुरुआत में हमने बेच दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर इसी बॉयलर को हमने साल के अंत में बेचा होता ना, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन साल की शुरुआत होते ही बेच दिया, भाई इसका तो यूज ही नहीं करा, इस पे डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है ना, जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने साल की शुरुआत में बेच दिया। तो यहां पे अब हमें क्या करना होगा, दरअसल अब हमें देखना होगा ये जो बॉयलर की वैल्यू थी, बॉयलर की वैल्यू कितनी थी, 14,580। ठीक है, 14,580। अब बेचा कितना था, अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे क्लियर लिखा था कि हमने उसे 10,000 में बेच दिया था। तो अब देखिए, कीमत तो थी 14,580, बट उसे हमने बेचा 10,000 में। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब किसी की कीमत है 14,580 बॉयलर की, और बेच दिया 10,000, भाई ये तो अपना ही लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 4,580। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अगर एक मशीन का कोई पार्ट बिकता है तो हमें पूरा कैलकुलेशन करनी होगी कि उस पे पहले साल कितना लगा डेप्रिसिएशन, फिर दूसरे साल कितना लगा, फिर तीसरे साल कितना लगा, फिर चौथे साल की तो हमने शुरुआत में बेच दिया, चौथे साल की शुरुआत में बेच दिया, तो हमें पता होना चाहिए था ना कि उसकी वैल्यू कितनी थी आज के समय, चौथे साल में उसकी वैल्यू कितनी थी। तो उसकी वैल्यू हमने निकाला अभी कितनी, 14,580, और उसे बेच दिया 10,000 में। अब ये बच्चा बच्चा बता सकता है कि कोई भी चीज जिसकी वैल्यू ज्यादा थी कम में बेच दिया तो लॉस हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आया, लॉस आ गया। एक तो आप इस तरीके से उस बॉयलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे बॉयलर था, आप और भी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, वहां पे और कोई सा पार्ट आ सकता है। मेथड यही होगा कि आपको उसके हर एक एक साल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और जिस साल बेच दिया वहां पे देखना होगा उसकी कीमत कितनी थी। अच्छा, अब इसी को करने का ना एक दूसरा तरीका है, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मानते हैं हमने दो मोबाइल फोन खरीदे, ठीक है, एक की कीमत थी 10,000 और एक की कीमत थी 10,000, तो दोनों कितने के हो गए, 20,000 के हो गए ना, दोनों 20,000 के हो गए। अब मैं बोलता हूं वो 20,000 के अब नहीं रहे, अब वो हो गए 10,000 के, तो आप बता सकते हो दोनों की वैल्यू कितनी कितनी थी। आप सिंपल से बोल दोगे, भाई दोनों की वैल्यू जब 10-10 हजार है, तो अब
दोनों की वैल्यू 10-10 हज़ार है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी थी? देखिए मैं इसको सही से लिख के दिखाता हूँ। दोनों की वैल्यू 10 हज़ार, 10 हज़ार यानी कि 20 हज़ार, ठीक है। हमने एक दो मोबाइल फ़ोन खरीदे जिसकी कीमत 10-10 हज़ार थी, तो टोटल कितना हुआ भाई? 20 हज़ार का हुआ। बट अब मैं कह रहा हूँ कि अब इस मोबाइल का ना जो साल के आखिरी में कीमत कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अब बता सकते हैं मोबाइल का बैलेंस कितना हो गया होगा? अब बोलोगे सिंपल, 5-5 हज़ार हो गया होगा, 5-5 हज़ार हो गया होगा। फिर मैं बोलता हूँ नहीं, अब इसकी कीमत है 5 हज़ार। फिर अब आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलोगे भाई 25-25, 2500 और 2500, 25-2500 है ना। तो यहाँ पे दरअसल हो क्या रहा है, देखिए आपने एक छोटी सी यहाँ पे ना मैथमेटिक कैलकुलेशन करी होगी कि जब दोनों का अमाउंट ही सेम है तो उसकी वैल्यू में कितना भी चेंज आ जाए वो दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आपने इसको क्या करा, 20 हज़ार को 2 से डिवाइड कर दिया तो 10-10 हज़ार आ गया ना। 20 हज़ार की 2 से डिवाइड करेंगे 10-10 हज़ार, और फिर उसकी अब कीमत हो गई थी 10 हज़ार, फिर 10 हज़ार को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया भाई 5-5 हज़ार, फिर 5 हज़ार को 2 से डिवाइड कर दिया तो मोबाइल की कीमत आ गई थी 2500। इट मीन्स कि यहाँ पे जो रेशियो होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, एक छोटी सी इक्वेशन हमने बनाई थी जिसमें हमने देखा कि दोनों मशीन की वैल्यू का जो रेशियो है, दोनों का जो रेशियो का डिफरेंस है वो इक्वल है। अब चाहे वो कितना भी उसकी वैल्यू डाउन होए, हम उस रेशियो के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे कि इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, हमारी कीमत थी टोटल कितनी, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हो गया एक एक साल का हम लोग फाइंड आउट करें, और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए हमारे पास बैलेंस था फोर्थ ईयर में टोटल 72,900। अब इसमें से बॉयलर की भी वैल्यू आज की शामिल होगी और मशीन की भी वैल्यू आज की शामिल होगी, और हमें यही फाइंड आउट करना है कि बॉयलर की वैल्यू कितनी है और मशीन की वैल्यू कितनी है। तो इसको अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूं, एक तो सोल्ड पार्ट और एक अनसोल्ड पार्ट, क्योंकि बॉयलर को तो हमने बेच दिया, यानी कि एक पार्ट तो सोल्ड हो गया और एक अनसोल्ड हो गया, वो हमारे पास बचा हुआ है। अब हमें पता करना है कि ये सोल्ड पार्ट कैसे निकलेगा। अभी जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया था कि टोटल 10-10 हज़ार के हमने दो फ़ोन खरीदे थे जिसका टोटल आ गया था 20 हज़ार, है ना, 20 हज़ार आ गया था, यानी कि रेशियो कितना आया था, अगर मैं एक और बारी दिखाऊं, 10+10 ये देखिए 20, तो इसका रेशियो 1:1 यही तो आ रहा था ना, 1:1, और फिर 20 हज़ार को हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले हमें देखना होगा कि दोनों के बीच का रेशियो कितना था। तो दोनों के बीच का रेशियो कितना आएगा, दोनों के बीच का रेशियो कितना आएगा, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला हो जाता है हमारा। कैसा फॉर्मूला हो जाता है, ये देखिए वैल्यू ऑफ पार्ट जो कि हमने बेचा था उसकी कितनी कीमत थी भाई, 20 हज़ार रुपये थी। दूसरा टोटल वैल्यू कितनी थी उसकी, टोटल वैल्यू 1 लाख थी, 1 लाख थी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, 1/5 आएगा। अब ये 1/5 क्या है, ये 1/5 वो रेशियो है, ये वो रेशियो है कि जिसके जरिए हम लोग उस मशीन की कीमत निकाल सकते हैं, मतलब बॉयलर जो हम बेच रहे हैं ना, जो भी आप अगर पार्ट बेचोगे तो उसका रेशियो के थ्रू ना हम लोग पता कर सकते हैं आज के समय इतनी कीमत कैसे आई। वरना हमें एक एक साल का हमें करना होगा तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा, और डायरेक्ट हमने उनके बीच का रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। कितना आ गया, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पार्ट जो हमने पार्ट बेचा उसकी कीमत शुरुआत में कितनी थी और आज के समय उसकी कीमत, मतलब टोटल कितनी थी। रेशियो में होता क्या है दरअसल कि शुरुआत में जो उनके बीच का जो रेशियो होगा वो हमेशा ही उतना का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे बॉयलर की कीमत थी शुरुआत में 20 हज़ार और टोटल थी 1 लाख, तो इनके बीच का रेशियो कितना आ गया, 1/5। अब अगर मैं इस 72,900 का 1/5 निकाल दूंगा ना, तो वो मेरी बॉयलर की कीमत होगी, वो मेरी बॉयलर की कीमत होगी। तो मैंने इसका निकाल दिया 1/5, तो देखिए कितना आ गया, 14,580। तो अब अगर आपको याद हो
कि यहाँ पे अभी हमारी बॉयलर की वैल्यू कितनी आ रही थी। देखिए थर्ड ईयर के लास्ट में हमारी बॉयलर की कीमत आ रही थी 14,580, और वहाँ पे भी कितनी आ रही है 14,580। अगर आपको अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है यहाँ, ठीक है। तो बॉयलर की वैल्यू आ गई 14,580। अच्छा, अब साल की शुरुआत में बेच दिया, डेप्रिसिएशन तो चार्ज हुआ ही नहीं होगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जीरो आ जाएगा, नील, ठीक है, नील आ जाएगा। अब देखिए, अब उस मशीन की वैल्यू कितनी थी भाई, 14,580, और हमने उसे बेच दिया कितने रुपए में, हमने उसे बेच दिया था 10,000 रुपये में, तो हमारा लॉस हो गया 4,580 रुपये का। अब हमें इसे मशीन अकाउंट में शो करना होगा। तो देखिए, साल की शुरुआत में बेचा था, तो साल की शुरुआत में सबसे पहले हमने कितने का बेचा, तो बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपये का, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, डेप्रिसिएशन क्योंकि साल की शुरुआत में बेचा था, अगर बाद में बेचते तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी आता, ठीक है, ये डेट का ध्यान में रख लेना, ठीक है। 10,000 में बेचा तो हमने देखा हमारा लॉस हो गया था 4,580 रुपये का, ठीक है, ये तो हो गया साल की शुरुआत में। अब पूरे साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास अभी उसका एक पार्ट भी तो बचा हुआ है ना, मशीन का एक हिस्सा भी अभी बचा है हमारे पास। बॉयलर तो हमने बेच दिया 20,000 वाला, और अभी हमारे पास एक पार्ट बचा हुआ है, अब हमें उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो अब मेरे को बता सकते हो कि अभी मशीन का बैलेंस कितना बचा होगा भाई, 72,900 में से अगर मैं 14,580 माइनस कर दूंगा ना, तो उसकी मशीन की वैल्यू आ जाएगी, मशीन की वैल्यू आ जाएगी। तो मशीन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं 72,900 में से 14,580 माइनस कर दूं, तो मेरी मशीन की वैल्यू आ जाएगी 58,320। मेरी मशीन की वैल्यू आ जाएगी 58,320। भाई सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, ये देखो 72,900, इसमें से 14,580 माइनस कर दो, क्योंकि आपने बॉयलर बेच दिया, तो अब वो तो रहा नहीं हमारे पास, यही रह गया। तो अब ये कितना आ जाएगा, देखिए 58,320। अब ये हमने पूरे साल यूज़ करा, तो अब हमें इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, बॉयलर तो हट गया, उस पर अब नहीं होगा चार्ज। तो 58,320 का हमें 10% निकालना होगा, 10% कितना आ जाएगा 58,320 का, भाई 5,832, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी कि अब कितना बचा मशीन का बैलेंस। तो सिंपल सा यहाँ पे ध्यान में रखना, 58,320 है ना, उसमें से आप ये सारी चीजें माइनस कर दो, जैसे कि टोटल कितना है 72,900, 72,900 इसमें से ये सारे बैलेंस माइनस कर दो, आपका ये आ जाएगा 58,052,488। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप 58,320 में से आप 5,832 माइनस कर दोगे, तो आपका बाय बैलेंस सीडी आएगा। देखा, ये आपके चौथे साल में ये काफी ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसको आपको समझना होगा काफी शांत दिमाग करके, ठीक है। अब हमारा फोर्थ ईयर का भी काम खत्म हो गया, अब इस बैलेंस को हमें फिफ्थ ईयर में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा बोला था सिर्फ 4 साल का बनाना है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई टॉपिक वगैरह समझ नहीं आया, कोई पार्ट पॉइंट इसमें का बेसिकली समझ नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यार ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करते रहना।